तो नथिंग इज अब ब्रांड CMF की तरफ से एक नए ईयरबड्स लॉन्च हुए, जिनका नाम था बड्स। भैया काफी इंटरेस्टिंग थे, 2200 रुपए के प्राइस में आ रहे थे, और मैंने जब सब कम्युनिटी पोस्ट किया तो काफी लोग बोले भाई इसको रिव्यू करो। तो ले आए हैं और बातचीत शुरू करते हैं इस डिवाइस के बारे में, क्योंकि फीचर्स काफी पैक्ड अप कर रखे हैं इस डिवाइस में और कीमत जो है बहुत ही रीजनेबल रखी है। तो डब्बे की पैकेजिंग को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ तो CMF बाय नथिंग लिख रखा है इन लोगों ने, साइड में आपको कुछ की हाईलाइट दे रखी है और छोटा सा डब्बा रखा है इन्होंने। और यहाँ पे कंटेंट पैकेज में आपको कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिलती है, मतलब आपका ईयरबड मिल जाएगा, ईयरबड के अलावा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलिकॉन के ईयर ट्यूब्स मिल जाएंगे, बड़े सजा कर रखे हैं यहाँ पे इन्होंने बबली शबली। और नीचे अगर आपको एक बुक देखने को मिलती है जो कि सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, उसको रीड करने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं वीडियो में, तो ध्यान से देखना। अब रही बात ईयरबड्स को लेकर, तो डिजाइन जो है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बट एक थोड़ा सा कॉन भी लगा। ये जो इन्होंने ये घूमने वाली चीज दी रखी ना यार, ये पूरा देते ना तो कम से कम ये फीस भी वाला काम करता, ये सब घुमा सकते थे, टाइम पास हो जाता थोड़ा बहुत, बट वो चीज नहीं है। ये सिर्फ आपको यहाँ पर जो है हैंग करने के लिए, जो वो लगाना रस्सी लगाने का अगर आपको मन हो रहा है इसको हैंग करने या कैरी करने के हिसाब से, तो उसके लिए इन्होंने ये प्रोवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर नीचे आपको नथिंग की अच्छी सी वो लोगो वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बॉटम में आपको एक लाइट इंडिकेशन ही प्रोवाइड कर रखा है इन लोगों ने, और बॉक्सर शेप है एकदम नथिंग का। ये फंडा तो मैंने देख रखा है कि वो ना बॉक्सर शेप पे ज़्यादा फोकस करता है, तो यहाँ पूरा आपको बॉक्सी शेप देखने को मिलेगा। साइड में आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दे रखा है, और टाइप सी पोर्ट के पास में आपको एक छोटा सा बटन दे रखा है, बहुत ही फ्लश कर रखा है इन लोगों ने, ये है रीसेट बटन। जब भी आप अपने डिवाइस को रीसेट करना चाहते हैं या नए डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाले बटन को दबाना पड़ेगा, तब आपका जो डिवाइस है वो पेयरिंग मोड में चले जाएगा। यहाँ पर जैसे इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये जो आगे की लाइट है ये ब्लिंक करने लग जाती है, और ब्लिंक कर रही है मतलब ये पेयरिंग मोड में चले गए, अपना फोन खोलो और फोन से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पर दे रखा है मैट फिनिश डिजाइन में है, और यहाँ पर तीन कलर आ रखे हैं, वैसे एक जो है व्हाइट कलर है, एक ब्लैक है और एक ऑरेंज कलर, एकदम चटक भटक ऑरेंज कलर है, वो अभी सेल पर गया नहीं है और वो जाएगा भी तो थोड़ा सा महंगा जाएगा, ये इतना मुझे मतलब मालूम है। बाकी अगर ईयरबड्स के डिजाइन को लेकर बात करूँ तो इनके प्रीवियस वाले जो ईयरबड्स आए थे नथिंग के, जो CMF बड्स की सीरीज में, वैसे ही ईयरबड्स का डिजाइन रखा है, कुछ खास डिफरेंट नहीं है यहाँ पे आपको, बस वही मैट फिनिश डिजाइन दे रखी है, टच का एक अलग से पॉइंट दे रखे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, और थोड़ा सा ग्लॉसी टच भी दे रखा है, इनर टाइप का डिजाइन है, और फिटिंग वगैरह अच्छी है, मतलब दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको पहन सकते हो, लंबे समय तक भी पहन सकते हो, मूवी देख रहे हो या फिर आप रनिंग वगिंग जॉगिंग करने जा रहे हो तो आप इसको अच्छे से पहन के इस्तेमाल कर सकते हो, गिरते नहीं है कान से, कंफर्टेबल है। तो डिजाइन के तौर पे तो मतलब नथिंग का जो डिजाइन है ये काफी अच्छा लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बट फीचर्स टर्म्स में बात कर लेता हूँ क्योंकि फीचर्स बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं। और सबसे बड़ा जो फीचर है इसका वो है इसका 42 डेसिबल का ANC। अब ANC काफी लोगों को समझ में नहीं आता कि चीज क्या होती है भैया, तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है बेसिकली एक फीचर है, मतलब आपके जो डिवाइस होता है इसके अंदर हार्डवेयर इन्होंने पुट कर रखा है जिसके चलते आपको जो बाहर की नॉइज है वो सुनाई नहीं देती है, यानी कि इन्होंने जो है माइक्रोफोन्स दे रखे हैं जो बाहर की नॉइज को लेते तो हैं बट वो आपके कान में नहीं जाती है, उसको कट कर देते हैं, तो ये होता है ANC। और यहाँ पर जो 42 डेसिबल की जो नॉइज बोली है ये एक फ्रिक्वेंसी है नॉइज की, जहां तक की नॉइज को ये रिड्यूस करता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा लगा मुझे। और ये जो प्राइसिंग रखी ना, इस प्राइसिंग पे मैंने बहुत सारे ANC वाले ईयरबड्स रिव्यू कर रखे हैं, यूज कर रखे हैं, तो उतना मजा नहीं आया था मुझे ANC में, बट यहाँ पर ANC काफी अच्छा दे रखा है और वो इंपैक्ट डालता है। अब रही बात ट्रांसपेरेंसी मोड को, जो कि उसका अपोजिट होता है, मतलब बेसिकली आपको बाहर की चीजें सुनाई देने लग जाती हैं, आपको ईयरबड्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जो ईयरबड्स हैं वो बाहर की नॉइस को आपके कान के अंदर सिम्युलेट करते हैं, तो उसकी फंक्शनलिटी भी अच्छी लगी मुझे, डिसेंट है। हाँ, बट ये ख्याल रखना कि आपकी जो वॉल्यूम है वो 50% से कम होगी तो ही आपको बाहर की चीजें सुनाई दे पाती है, नहीं तो ना बाहर की चीजें आपके किसी मतलब ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला मोड है ना वो उतना काम में नहीं आता है। हाँ, ये चीज है कि आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो काफी लोग पूछते ना कि विंड की आवाज आती है ANC वाले ईयरबड्स में, ऐसे वो खरखर करते हैं, तो वो मुझे यहाँ नहीं लगी, मतलब जो आप अगर ANC ऑन कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है और विंड्स को जो है वो कट करता है और नॉइज नहीं सुनाई देगी आपको, तो ये फंक्शन मुझे पर्सनली इसके ANC में काफी सही लगा। और अच्छी बात ये है, देखो इन्होंने यहाँ पर ना वो इन ईयर डिटेक्शन वाली चीज भी दे रखी है, तो IR सेंसर दे रखा है, तो जैसे आप कान में पहनोगे तो ये ऑटोमेटिक म्यूजिक को ऑन कर देंगे, कान से निकालोगे आपके म्यूजिक को ऑटोमेटिक ऑफ कर देते हैं। ब्लूटूथ 5.3 के साथ में पैक्ड अप है और फास्ट पेयरिंग वाली चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो गूगल फास्ट पेयरिंग इसमें एनेबल कर रखी है, प्लस विंडोज डिवाइसेस में अगर आप यूज करते तो विंडोज स्विफ्ट पेयरिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, तो जैसे ही आप खोलोगे ना डिवाइस तो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ जाएगा और पॉपअप पे जैसे क्लिक करोगे आपका डिवाइस जो है फटाफट से कनेक्ट हो जाता है, मतलब आपको ब्लूटूथ सेटिंग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास एंड्रॉइड फोन है या विंडोज का PC डिवाइस है तो आप उस पर डायरेक्ट इसको जो है इजीली और सिमलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे करना चाहूंगा तो ये डिवाइस जो है दो डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास फोन है और दोनों को साथ में कनेक्ट करना है तो हाँ ये डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, और हाँ दोनों ही डिवाइसेस पे आपको साइमल्टेनियसली साउंड भी दे देता है, तो हाँ ये चीज भैया काफी लोगों के लिए
पार्ट रहती है वो इसमें दे रखी है। अब सबसे की एस्पेक्ट है देखो डिवाइस का वो होता है उसकी साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। अब साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं यहां पर तो नथिंग का इनका एप्लीकेशन भी है जहां से आपको थोड़े बहुत ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कस्टमाइज करने के। इवन इसमें बेस को बूस्ट करने का ऑप्शन दे रखा है और बेस बूस्ट की बात मैं करूं यहां पर तो बेस भैया बहुत ही ताबड़तोड़ है। अगर आप बेस लवर है तो आपको इसके बेस जो है काफी पसंद आने वाला है। ट्रेवल्स की बात करूं तो क्लैरिटी उसकी भी अच्छी है, हाई लोज मिड्स जो है वो बहुत प्रॉपर यहां पर आपको मिल जाते हैं। क्लैरिटी टर्म्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, प्लस स्टीरियो सेपरेशन वगैरह भी डिवाइस का अच्छा है तो साउंड क्वालिटी को मैं यहां पर थम्स अप दे सकता हूं। बाकी चीजों की बात करते हैं जैसे कि लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन है या फिर इसमें जो डिफरेंट मोड्स दे रखे हैं उसमें आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, काफी सूदिंग एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। क्योंकि यहां पर जो इन्होंने ड्राइवर्स यूज करे वो थे 12.4 mm के और ये बायोफाइबर प्लस इन्होंने यहां पर जो है कस्टम टीपीयू डायफ्रेम का यूज कर रखा है तो यहां पर जो है परफॉर्मेंस आपको बहुत जबरदस्त निकल कर आती है। जो यहां पर जो ड्राइवर्स हैं अंदर इसके ईयरबड्स के अंदर वो बहुत इंपैक्ट डालते हैं। और यहां पे वाटर रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है डिवाइस में जो कि IP54 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि डस्ट प्लस वाटर रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है यहां पर। हल्के फुल्के छींटे अगर आपको स्वेट वगैरह आ रहा है तो उसको रेजिस्ट कर जाएगा। आपने सोचा कि भैया मैं उसको पानी में डुबो दूं या स्विमिंग पूल में पहन के कूद जाऊं तो ये खराब हो जाएंगे, वो मत करना। बाकी सवाल ये आ रहा है बैटरी परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली इस डिवाइस पे, तो 200 बैटरी परफॉर्मेंस के तौर पे यहां पे मैं बात करूं तो 8 hours की परफॉर्मेंस आपको पीक मिल जाती है यहां पर। और ये डिफर कर जाती है दो चीजों में, अगर आप ANC मोड में स्विच करते हैं या ANC मोड में अगर डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो आप हमें 5.6 hours के अराउंड की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ANC ऑफ है तो आप यहां पे लगभग 8 घंटे तक जो है डिवाइस से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर लेंगे। अब 10 मिनट के चार्ज में आपको 2.2 hours ऑफ लिसनिंग मिल जाती है अगर आप ANC ऑफ करके रखते हो। अगर आप 10 मिनट इसको चार्जिंग पे लगाया दो से ढाई घंटे आप जो है परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ANC ऑफ रहना चाहिए तो इन्होंने फास्ट चार्जिंग वाली चीज भी यहाँ पर जो है एनेबल कर रखी है। बाकी इस डिवाइस में आपको टोटल जो है 35.5 hours का परफॉर्मेंस मिल जाता है, यानी कि लगभग 35 घंटे की परफॉर्मेंस आप केस के साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिंगल तो आपको 8 hours की मिल जाती है ईयरबड्स में, बट अगर आप केस के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो लगभग आप 1.5 से 2 दिन इसको इस्तेमाल कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब रही बात यहाँ पे जो कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस है जिसको लेकर काफी दिमाग में सवाल आते हैं कि भाई कॉलिंग कैसी रहने वाली, तो 4 माइक्रोफोन का उन्होंने यहाँ पर यूज कर रखा है और ये माइक्रोफोन्स में से 2 जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो बाहर की नॉइस को कैंसिल करते हैं ताकि सामने वाला जो आपकी आवाज सुन रहा है एकदम क्लियरली सुन सके। तो उसके परफॉर्मेंस का एक बार टेस्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस देगा। है वो ईयरबड्स के माइक्रोफोन से आ रही है और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे या फिर गेमिंग के अंदर इसका इस्तेमाल करें। अब वैसे हाँ, इन्होंने गेमर्स को भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, इन्होंने लो लैग लेटेंसी वाली चीज प्रोवाइड कर रखी है जो कि आप इसकी एप्लीकेशन से एनेबल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो नथिंग एक्स ऐप करके एप्लीकेशन है जहां पे आपको इसकी बैटरी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स वगैरह और भी काफी चीजें देखने को मिल जाती है और वहीं पर आप जो है इसके गेम मोड को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे गेमिंग में परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आएगी और ऐसा इशू नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कैजुअल गेमिंग करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। डेडिकेटेड गेमिंग की बात करूं तो काफी सारे गेमिंग गेमर्स मार्केट में आते हैं जो 35 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं तो मैं उनको प्रेफर करूंगा अगर आप एकदम डेडिकेटेडली गेमिंग में लगे हुए हो। तो ये था इस ईयरबड्स का एक्सपीरियंस और मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगा कि 2200 rupees के प्राइस में जो है कहीं ना कहीं ये वैल्यूएबल डिवाइस है और अगर आप खरीदने का मन कर रहे हो तो खरीद सकते हो, बेफिक्र होकर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही रहने वाला है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे पर्सनली लगा है, वैसे चॉइस आपके ऊपर होती है एट दी एंड आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो मैंने लिंक इस डिवाइस की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी जाते जाते इस इन्फॉर्मेशन के लिए भाई के लिए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर से कहना, कमेंट करके जरूर से जाना, कमेंट जब भी आते हैं खुशी मिलती है। बाकी नए हो तो फिर चैनल आपका ही सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिडन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।